नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नौ देवियों का रहस्य, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए। तीसरे दिन देवी माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है और तीसरे दिन जो चंद्रघंटा देवी होती है उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा होता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा देवी है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ साथ शांति का अनुभव ये आपको कराती हैं। तो माँ से जुड़े तमाम रहस्यों पर चर्चा के लिए और उपायों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन देवियां इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका वान्यार्या जी न्यूज 18 पर। हमारे साथ नीति शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। और पारुल चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में। सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा मेरा वान्यार्या जी, लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतें आजकल आ रही हैं और देवी चंद्रघंटा को संतुष्टि की देवी कहा जाता है, तो ऐसे में कैसे खुद को सेटिस्फाई किया जाए? जितना आप कमाते हैं उसमें सेटिस्फाई रहना भी जरूरी है, लेकिन कैसे धन का वरदान मिलेगा वो भी बताइए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा शीनम जी, कि माँ चंद्रघंटा जो है वो संतुष्टि की देवी है, जो हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें कैसे हर पॉइंट पर सेटिस्फाइड और ग्रेटिट्यूड के साथ हमें रहना है। गॉडेस ऑफ पीस जो है वो भी माँ चंद्रघंटा को कहा जाता है। अगर हम माँ चंद्रघंटा से लिंग चक्रा की बात करते हैं तो वो मणिपुर चक्रा होता है, जो हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। उनका मंत्र जो होता है वो रम होता है। उनको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, धन जो है वो ठीक से अर्जित नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है आप माँ चंद्र घंटा को आप लाल चंदन जो है अर्पित कीजिए, आप उन्हें फूल अर्पित कीजिए। उनको हालांकि पीला रंग भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो कलर होता है वो भी पीला होता है। आप जो है माँ के आगे एक लाल कपड़े में कुछ तांबे के सिक्के जो है रख दीजिए, और जब नवरात्रि खत्म होगी तो वो लाल कपड़े की पोटली बांध के आप अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं। और एक चीज आपको करनी है, कुंवारी कन्याओं को जो 8 साल से छोटी बच्चियां हैं कंज के हैं, उनको आप खीर भी जो है खिला सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और एक आखिरी चीज मैं बोलूंगी, जब भी आप धन की बात करते हैं कभी भी ऐसा मत बोलिए कि धन कम है, कमी है, कमी है। यूनिवर्स हमारी वोकैबुलरी को जरूर सुनता है, तो अपने पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिए और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। बिल्कुल, और सेटिस्फाई रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन नीति जी, आपसे अगला मेरा सवाल रहेगा नौकरी और व्यवसाय को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि मेरी जो नौकरी है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो नौकरी और व्यवसाय को बेहतर करने के लिए देवी चंद्रघंटा के स्वरूप की कैसे पूजा की जाए? हाँ जी शीनम जी, एक तो प्रश्न बहुत अच्छा है, दूसरा सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कई बार आप देखेंगे नौकरी में आपके कोलिग्स के साथ जो है वो एक प्रकार से अच्छा संवाद नहीं हो पाता है, उनके साथ आप कोलैबोरेशन में काम नहीं कर पाते हैं, ईगो क्लैशेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। और उसके लिए विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा और उनकी आराधना, उनसे रिलेटेड कुछ उपाय अगर आप करें, और स्पेशली अगर फीमेल कोलिग्स के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके वर्क स्टेशन में, तो बहुत हेल्प करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए आज नवरात्रि के दिन विशेष रूप से शहद का प्रयोग करना चाहिए। 11 लौंग और 11 इलायची आप शहद में डिप करिए, और एक मंत्र मैं आपको बोल रही हूँ उसको 108 बार चैंट करिए, ऐंग श्रीम शक्तई नमः, ऐंग श्रीम शक्ति नमः मंत्र से आप इन लौंग और शहद को और इलायची को, 11 इलायचियों को, हरी इलायची लेनी है, उसको चार्ज करके माँ को एक प्रकार से अर्पण करिए। आपके जो संबंध आपके वर्क स्टेशन में जिनकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आपके बॉस के साथ संबंध में कटुता है तो वो इम्प्रूव होने लगेगी। साथ साथ आज के दिन एक चांदी के सिक्के के ऊपर आप थोड़े अक्षत रख के उसको लाल कपड़े में बांध दीजिए, एक कमल का पुष्प लीजिए, माँ चंद्रघंटा के समक्ष रखिए, ओम श्रीम मंत्र से 108 बार चैंट करके इसको चार्ज करके आप इसको अपने पर्स में, अपने लैपटॉप वाले बैग में या जहाँ भी आप अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहाँ पे इसको स्टैब्लिश कर दीजिए। निश्चय रूप से ना केवल नौकरी में समस्याएं जो आ रही हैं वो आपकी सॉल्व होंगी, लेकिन अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या कर्ज या लोन की स्थिति बनी हुई है वहाँ से भी आपको एक रिलीफ मिलेगा। साथ साथ आज के दिन आपको जो विशेष उपाय करना है, सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको खुद को धारण करने, मुख्य रूप से जो आपके इनर गार्मेंट्स हैं वो आप व्हाइट कलर का ही पहने, और उसमें
रोज का इत्र लगाएं, डेली आप रोज का इत्र लगाएंगे अपने इनर गार्मेंट्स में और आपके अपनी नाभि के ऊपर आप हल्का सा रोज का इत्र लगा के आप जब घर से निकलेंगे, और घर से निकलते हुए एक चीज और ध्यान रखें कि पहला स्टेप आप सीधा पांव अपना बाहर रखें, इन एनी केस भूल चुक हो जाती है, और ओम श्रीम मंत्र को आप जाप करते रहिए आज के दिन। अगर नौकरी में कोई समस्या है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे दो तीन उपायों से अच्छा, आपको जी, बिजनेस में भी कई बार लॉस हो जाता है। अगर हम दुकानदारों की ही बात कर ले तो उनके लिए कुछ बताइएगा, अपनी दुकान में आज के दिन क्या ऐसा खास करें कि देवी चंद्र घंटा प्रसन्न हो जाए। कहीं ना कहीं माँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करती है, तो बिजनेस अगर आपका वर्क स्टेशन है, तो आपका बिजनेस है, आपका शोरूम है, दुकान है या ऑफिस है, उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखिएगा कहीं कोई जल का स्रोत तो नहीं है, तो उसको आप कहीं ना कहीं वो बाधित डाल रहे, स्पेशली अगर टॉयलेट है, वहाँ पे एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब आप अपने बिजनेस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हमें वास्तु का उपाय भी बता रही जो बहुत कारगर सिद्ध होता है, तो कैश इनफ्लो को और आपके जो ग्राहक हैं जो आ नहीं रहे किसी प्रकार से, एक उनके लिए दरवाजे खोलेगा, कैश इनफ्लो को सस्टेन करेगा। साथ साथ आज के दिन आप अपने बिजनेस स्थल में जो आपका गल्ला है या स्पेशली आपको ड्रॉर जहाँ पे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहाँ पे 11 गोमती चक्र और 11 सफेद कौड़ी अभिमंत्रित करके, जो मैंने आपको बीज मंत्र बताया है, उसके साथ थोड़े चावल रख के एक लाल कपड़े में बांध के आप रख दीजिए। निश्चय रूप से अगर बिजनेस की ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं बाधित है, गोमती चक्र और जो आपके कौड़ियाँ हैं उनके प्रभाव से कैश का इनफ्लो और ग्राहकों के इनफ्लो में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल, नौकरी व्यवसाय के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि आपके रिश्ते भी मधुर हो, तो देवी चंद्रघंटा जो कि संतुष्टि की देवी जिन्हें कहा जाता है। पारुल जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर रिश्तों में मधुरता कहीं गायब हो गई हो, खटास आ रही हो, परेशानी हो रही हो, चाहे वो माता पिता का अपने बच्चे के साथ रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर कोई और रिश्ता हो, कैसे मधुरता लाई जाए? ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। देखिए, माँ तो स्वर्ण जैसी चमकीला उनका रंग है जी। तो स्वर्ण जैसी माँ चमकती है, इसमें जो मेन माँ का जो स्वरूप है ना वो कल्याणकारी ही है, वो रिश्तों के लिए बहुत मेन है। और माँ जो डिनोट करती हैं, अगर इनका ग्रह देखूँ तो मैं शुक्र ग्रह इनका जिनका खराब चल रहा है, मीन्स रिलेशनशिप खराब है, किसी भी रिश्ते में खटास आई हुई है, जैसे आपके बॉस से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, एम्प्लॉय से आपके नहीं बन रही, आपकी सराउंडिंग्स में, मीन्स आजकल जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल में देखा जाता है कि आपकी बनती नहीं है आपस में बिल्कुल भी, एम्प्लॉयज़ के साथ जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ भी नहीं बनती है। तो आपको एक छोटा सा मंत्र का जाप मैं देके जा रही हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा इस बार। और आप देखिए, आप जो भी विश मांगे, अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको रिश्ते सुधारने हैं उनके साथ, सबसे ज़्यादा आजकल जो लोगों की प्रॉब्लम है बॉस के साथ भी रिश्ते सुधारना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत में आती है कि किसी ना किसी कारण खटपट रहती है, कि ईगो क्लैशेस तो आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई अपने आप को नीचा मानना ही नहीं चाहता। तो वहाँ पे आपको करना क्या, आपको एक मंत्र बोलना है माँ का, ओम एम ह्रीम क्लीम, ये आपको मंत्र का जाप करना है पूरे 11 दिन आप कीजिए, 10 नहीं करना आपको, 11वें दिन पे ही आपको इसका जो है पूरा जो फल मिलेगा तभी मिलेगा। आपको रोज़ एक माला का जाप करना है रोज़। और साथ में आप क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते सुधारने के लिए घर में, जैसे कि माँ की जो थर्ड आई है, जो तीसरा उनकी जो नेत्र है हमेशा खुला रहता है, वो लड़ाई झगड़ों को देखती रहती हैं और जो जो भी बुरे कर्म हो रहे हैं या हम कर रहे हैं उन पर माँ की तत्पर नज़र रहती है, तो उसके लिए आपको आपके घर में जो लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है आपको उस लिए छोटा सा कार्य करना है रोज़। अब जब आप पूजा करेंगे शाम के समय, जब भी आप शाम को पूजा करेंगे, आपको एक गाय के गोबर लेना है, उसमें आपको 2 लौंग डालने हैं, 2 आपको काली मिर्च डालनी है, 1 आपको कपूर रखना है, और उसमें सिनेमन की स्टिक जो होती है दालचीनी वो रखनी है, और एक तेज़ पत्ता रखना है। पूरे घर में आपको धोनी करनी है, किचन में भी करनी है, वॉशरूम में भी, हर जगह आपको प्रॉपर धोनी करनी है। और आप अपने मन में यही मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके घर के जितने भी कलेश हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसके भी साथ आपके रिश्ते हैं सुधर जाए। तो ये धुनी देखिए, ऑफिस की भी आपने बात की, ऑफिस में कैसे किया जाए, बॉस के साथ भी रिश्ते ना हो अगर सही तो जी, वहाँ के लिए भी कोई उपाय बता दीजिए, कोई कॉर्पोरेट टाइप का। जी जी, अगर आपके बॉस के साथ बिल्कुल भी रिश्ते ठीक नहीं है तो मैं एक स्विचवर्ड आपको देके जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप देखिए जो ऑफिस है वो तो ऐसी जगह, ना तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप कोई मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं, ना आप कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, ना तो वहाँ पे एक स्विच वर्ड आप यूज कीजिए 6322291, ये आपको बार बार रिपीटेडली बोलना है, या फिर आप यहाँ पे अपने
24 लिख सकते हैं ब्लू पेन से, और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल ही आपको पसंद ही नहीं कर रहे आपके जो बॉस हैं, बिल्कुल आप जो भी कुछ भी बोलते हो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जब भी उनके सामने जाए अपने बॉस के, एक तो इलायची मुंह में रखें, और आपको बार बार मंत्र का जाप करना है, कलिंद 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 आपको बोलते चले जा रहे हैं रिपीटेडली, तो इससे आपके जो है ना रिश्ते उनसे, आपको कोई भी काम है, आपको काम करवाना है अपने बॉस से, तो आप कलिंद 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 का आप जाप कीजिए। बहुत बढ़िया उपाय आपने बता दिया। और हमारे साथ हमारी अन्य दो देवियां भी थी, ज्योतिषाचार्य भी थी, जिन्होंने बताया कि धन कैसे आपके घर में आएगा, धन की वर्षा कैसे होगी, नौकरी व्यवसाय कैसे आपका बेहतर होगा। तो देवी चंद्रघंटा के इस स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको मिलेगी आपकी लाइफ में संतुष्टि, और संतुष्टि कैसे पानी है वो तमाम उपाय आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जान चुके हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, और कल फिर हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, नई पेशकश के साथ, जिसमें आपको अगली देवी के बारे में बताएंगे।